सो गाइस अभी अपनी शॉप पे आ गया था जहाँ से मैं मॉडिफिकेशन करवाता हूँ हर बार, तो देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे सामान तो बहुत ज़्यादा है। और आज मैं क्या चीज़ लगवाने वाला हूँ जो है मेरे लीवर प्रोटेक्टर, भाई लीवर गार्ड भी बोलते हैं इनको। तो देख सकते हो तुम लोग क्या क्या चॉइस है मेरे पास। एक आ गया ये सेट ब्लैक वाला। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो। कहती है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे और तुम्हारा भाई भी एकदम मस्त। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह की जगह से, मतलब मैं भी हूँ मंडी वाले एरिया में, मतलब यहाँ पर गली में आपको प्रॉपर जगह बता नहीं सकता। और हाँ यार, कुछ इसके लिए सॉरी, मतलब जो भी से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है। और अपना बीच चेक करोगे तुम, कुछ इस तरह का लग रहा है भाई, ये चेक करो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई, क्या ही बताऊँ। और हाँ, लास्ट ब्लॉग में तुम लोगों ने देखा होगा कि मेरा पूरा ब्लॉग बेकार गया था, तो मज़ा नहीं आएगा उसके लिए, सॉरी। और मैंने उस चीज़ को भाई सही भी कर लिया। अपना चेक कर रहा था कि भाई मेरा जो जैक है ये ख़राब हो गया है, 8.5 mm वाला माइक का जैक था, उसके लिए मैंने वापस ले ली भाई। ये चीज़ टाइप सी में लग जाता है, जो मतलब इससे टाइप जो चार्जर वाला पॉइंट है ना, जैक है, उसमें लग जाएगा तो उससे आपका माइक चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ किया मैंने, और वॉइस भी ख़राब हो गई थी पूरी, माइक भी ख़राब हो गया था। वॉइस रिड्यूशन के लिए एक और चीज़ भी लगा दी है, वो तुम लोगों को मैं बाद में बता दूंगा किसी और ब्लॉग में, अगर किसी और को चाहिए हुआ तो, वरना नहीं तो करते हैं भाई। और हाँ यार, एक और चीज़ मुझे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई डिजिटल वाली NS आ गई है, लेकिन ये चेक करो भाई, इस चीज़ का मज़ा है ना भाई, वो डिजिटल मीटर में नहीं आएगा, ठीक है। सेमी डिजिटल जो NS पहले देता था ना भाई, इससे ऊपर मतलब इस मीटर से ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए भाई, बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है ये वाला मीटर। और रही बात कि भाई वो नहीं है, ये पुरानी है, तो ओल्ड इज़ गोल्ड, पता होगा। इस BS3 है जो भाई, और BS4 है, NS200 उसका मुकाबला भाई कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और हेडलैम्प की बात रही भाई डिजिटल, और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेरे को पता है, मतलब जो LED लैंप है उसमें और इसमें फ़र्क है। तो इंडिकेटर भाई आप वो वाले लगा सकते हो, लेकिन हेडलाइट भाई जो इसका मतलब जो इसकी लुक है ना, उसके साथ कभी मैच नहीं हो सकता ये। तो लगाते हैं अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। और हाँ, आज मैं लगाने जा रहा हूँ इसके जो लीवर गार्ड थे, ये देखते हो मेरे को कौन से पसंद आते हो, तो बने रहना ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त रहने वाला है, थोड़ी बहुत हम राइड भी करेंगे। और हाँ यार, लास्ट ब्लॉग में सीन हो गया था मुदस्सर की, इंस्टाग्राम पे आपको पता चल गया होगा क्या 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 कुछ सीन हुआ था राइड पे, तो मैं अच्छा नहीं लगता कि डालो भाई हर एक चीज़, मतलब यूट्यूब पर डाल दो, तो जो चीज़ भाई नहीं दिखाने की वो हम नहीं दिखाते। तो लगाते हैं अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप और बनाते हैं आपके प्यारा सा मोटो ब्लॉग, तो मिलते हैं आपको सीधा अपने सेटअप पे। सो गाइस, मैंने अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप जो है वो लगा लिया, और चलते हैं अब यहाँ से फुल पावर, वॉइस को करते बंद, और होप करता हूँ अपनी वॉइस जो एकदम सही आ रही होगी। मैंने थोड़ा बहुत चेक किया, इतना ज़्यादा भी नहीं किया, और अपना एंकल बजाज थोड़ा सा बिगड़ रखा, इसको भी सेट कर लेते हैं भाई। तो अपना एंकल हो गया एकदम सेट, और निकलते हैं यहाँ से फुल पावर। और हाँ, इसकी एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी कि गियर में ये अभी तुम इसको स्टैंड लगाओगे नहीं, बंद हो गया इंडिकेटर लाइट को ऑफ। और हज़ार्ड वगैरह डलवाना था, लेकिन अभी तक मैंने सोचा नहीं वायरिंग के साथ इसकी बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की, सेकंड या थर्ड सर्विस तक भाई बिल्कुल भी मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करने वाला, मतलब वायरिंग वगैरह में स्टॉक रखूँगा, कोई वायर कट नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना अपनी बाइक की, ठीक है। चलते भाई, निकलते हैं यहाँ से फुल पावर, पहले वाली साइड चले पहले, सामने धूल पड़ी है बहुत, वाह हुई है यहाँ से, तेज़ में चलेंगे सड़क में क्योंकि पानी और पानी से बढ़ता है कीचड़ अपनी बाइक में, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। सो गाइस, मैं भी आया था यहाँ पे मॉडिफिकेशन कराने के लिए, तुम लोगों को पता होगा, तुम लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल वगैरह, टाइटल वगैरह देख के देख लिया होगा पूरा, और देख सकते हो तुम लोग स्टॉक मेरे सामने क्या क्या पड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह का लग रहा है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, और देख सकते हो सामान इनके पास बहुत ज़्यादा, लेकिन घर से ही मैं देख के आया था, और तुम लोगों को पता लग गया होगा क्या देख के, थंबनेल और टाइटल, कि मैं डलवाने वाला हूँ भाई आज लीवर प्रोटेक्टर, लीवर गार्ड भी बोलते हैं इनको। तो मेरे पास चॉइस कौन कौन सी है ये तुम लोग को बता देता हूँ। एक चॉइस होगी भाई जेड ब्लैक, कुछ इस तरह का देख सकते हो तुम लोग, जेड ब्लैक। और एक आता है इसी जेड ब्लैक नहीं है लेकिन कार्बन है, ठीक है, कार्बन टाइप जेड ब्लैक नहीं, कार्बन में, ठीक है, कार्बन फिनिश इसमें तुम लोगों को देखने को मिल जाती है, 100-200 रुपये का इन दोनों में डिफरेंस है। और तीसरा आ जाता है ये 450-500 रुपये का, तुम लोगों को मिल जाएगा, एडजस्टेबल है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है और हैवी ड्यूटी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा सही नहीं रहता है। तो स्पोर्ट्स बाइक अपने पास, तो मैंने फाइनल किया भाई कार्बन वाले में सिल्वर कलर, क्योंकि मेरे पास जेड ब्लैक बाइक है, तो इस पर रेड या फिर और के कलर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो लगाते हैं भाई ये वाला, इसको करते हैं साइड पे, और ये बाकी सामान है इसको करते फोल्ड, और कैसे लगाना है, क्या कुछ करना है, पुराना जो सामान होता है उसके साथ वो उसको कहाँ रखना है, क्या कुछ करना है, तो तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, बाकी बने रहो व्लॉग में, तो देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। सो गाइस, हमने फाइनल कर लिया ये, तुम लोगों को पता होगा सिल्वर वाले, तो बाइक को लगाते हैं यहाँ पर, उसके बाद मिलते हैं आपको। सो गाइस, यहाँ पे अपने जो एलकी से मतलब जो NS आती है ना, इसमें एलकी लगती है, दूसरा नट लगता नहीं है, तो इससे सबसे पहले जो साथ के वो उतारने पड़ेंगे कुछ इस तरह से भाई, ये हो गया रिमूव पूरे। और हाँ, ये चीज़ संभाल के रखना तुम लोग भाई, हैवी बहुत ज़्यादा है ये, तो ये चीज़ तुम लोग संभाल के रखना, क्योंकि भाई बाइक की साथ की चीज़ साथ की है, तो कुछ इस तरह का लगता है इसका हैंडल बार, ठीक है, देख सकते हो भाई हैवी बहुत ज़्यादा है, इसको डालते हैं भाई संभाल के अपनी जेब में, और इसको फिक्स करते हैं पहले। सो गाइस, अपना एक लीवर गार्ड लग चुका है, कुछ इस तरह का लग रहा है, ये चेक करो भाई,
लूप पता नहीं अजीब सी लग रही है मेरे को भी, क्योंकि पहले पहली बार लगाया ना तो थोड़ा अलग सा लग रहा है। बाकी हैंडलिंग में थोड़ी बहुत अभी मेरे को प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आदत नहीं है मेरे को इस चीज़ की, क्योंकि मैं साइड से एंड से पकड़ के चलाता था। तो देखते भाई क्या कुछ सीन आने वाला है, लगा के रखते हैं, उसके बाद जब आदत पड़ेगी तब पता चलेगा हैंडलिंग का क्या कुछ सीन है। लेकिन एक चीज़ है, जब एक नीचे गिरती है ना तो ये चीज़ लीवर को बचा लेता है, ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट है। तो तुम लोग ये डाल सकते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही रहने वाली है। उसके बाद थोड़ी बहुत लोडिंग आस्ते आस्ते मैंने स्टार्ट कर दी है करनी, अब रोज़ एक ही दिन भाई पूरी बाइक बना के अगर मतलब सामने लाऊंगा तुम्हारे तो पता नहीं चलेगा क्या क्या होगा बाइक में, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ भाई सब कुछ बाइक में। तो जो कुछ मुझे मिल रहा है तुम लोग को भी नया नया देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मेरे पास भी भाई फर्स्ट टाइम NS आई है, तो मुझे भी बहुत चीज़ें नई नई सीखने को मिल रही हैं, तुम्हें भी मिल जाएंगी। तो बने रहो ब्लॉग में भाई। बाकी दूसरे वाला एक जो है ये लग गया, जो इस साइड वाला था ये मैंने उतार के डाल दिया जेब में। ये चीज़ हमेशा संभाल के रखना, क्योंकि क्या है बाइक के साथ की चीज़ वापस नहीं मिलती कभी भी। तो देख सकते हो तुम लोग इस साइड वाला तो लग रखा है, अब दूसरी साइड वाला लगाते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा अपने सेटअप पे मिलूंगा, ठीक है। सो गाइस दूसरी साइड का भी खुल चुका है, कुछ अजीब सा लग रहा है, ये चेक करो भाई। तो मुझे तो भाई कुछ अजीब सा ही लग रहा है, ये देख सकते हो तुम लोग, पकड़ने में अब बिल्कुल ही छोटा सा हो जाएगा। देख रहे हो हाथ सिर्फ आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा अपना लीवर गार्ड जैसे उस साइड का, और मोटो सेटअप पता नहीं कैसा दिखेगा भाई लगा के। तो दो तीन दिन चलाएंगे भाई ऐसे ही, अगर मेरे को पसंद आया तो पसंद क्या है भाई अभी तक लगा के रखूँगा, लास्ट में देखेंगे भाई चेंज कुछ करें, अगर चेंज करना हुआ कुछ तो देखते हैं भाई क्या कुछ रहने वाला है, तो लगाते हैं यार। सो गाइस फाइनली अपने जो लीवर गार्ड थे वो डन रखे कुछ इस तरह के, ये चेक करो भाई कैसे लग रहे हैं सामने से, मुझे कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। और हाँ बाकी तुम लोग को एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो अपना सामान था साथ में स्कूटी में डलता है ये भी मैंने ले लिया, और जो पुराने वाले भाई इसके लगे हुए थे ये भी मैंने ले लिए, क्योंकि ये तंग करते हैं बाद में, ठीक है। तो इस साइड वाले पे थोड़ा सा गैप रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलेटर है, यहाँ पे गैप नहीं होगा,